अच्छा लगा आज यहाँ आके। ये बहुत ही अजीब बात है, यहाँ हम बिजली की बात कर रहे हैं, उजाला की बात कर रहे हैं। तो आज मैं दिल्ली में थी तो मुझे हॉस्पिटल जाने का मौका मिला। वो जो बच्ची इंशा है, 14 साल की बच्चे, तो जब उसको देखा तो कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत सी बच्ची, इतनी छोटी 14 साल की बच्ची, और पहले उसका सर भी ज़ख्मी था और उसकी आंखें उसने रोना। जब मेरी आवाज़ सुनी तो मैंने उसको बोला, इंशा मेरे से बहुत नाराज़ हो क्या आप? तो एकदम उसकी माँ भी थी तो वो रो पड़ी, क्योंकि उसको मैंने डॉक्टर्स को बुलाया, मैंने कहा कि इसका क्या है, आप बताइए मुझे, अगर दुनिया के किसी कोने में इसको ले जाना पड़े, हम हर चीज़ करेंगे इसके इलाज के लिए। कि एक एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर के बाद इस तरह का माहौल बना कि जो बच्ची अपने घर में पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसका बाप मेरे घर में ट्रक या कुछ चलाता है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, इकलौती बच्ची है, कि वो इस चीज़ का शिकार हो गई, इन हालात का शिकार हो गई। अब मैं दुनिया की कोई भी दौलत उसको ला के दीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो चीज़ है, मुझे नहीं मालूम कि लोग आज़ादी किसको कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम कि कौन सी आज़ादी हम लोग किसको आज़ादी समझते हैं। अगर आज़ादी इस तरह से हासिल हो सकती है कि जहां आप ऐसा माहौल बनाओ, हमारी नन्ही नन्ही छोटी छोटी बच्चे बच्चियां अंधे हो जाएं ज़िंदगी भर के लिए, अपाहिज हो जाएं ज़िंदगी भर के लिए। ये इंशा है, क्या करूं मैं? 4 मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, 5 मेडिकल कॉलेज, एक आपका कुठवा, एक डोडा, एक राजौरी, एक अनंतनाग, एक बारामूला। ये बच्ची डॉक्टर बनना चाहती थी, मुझे ये बताइए दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी आंखें वापस लाएगी? मैंने डॉक्टर को कहा, और मैं वल्लाह मैं कभी कोई बात मजाक में नहीं कहती, कितनी भी कड़वी बात हो मैं मुंह पे कहती हूँ, मगर दिल से कहती हूँ, गुस्सा भी आया तो दिल से आता है। मैंने उसको कहा कि अगर आपको, आप पता कीजिए, मैंने बहुत ज़िंदगी देखी है, मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, मगर अगर मेरी एक आंख से इसके आंख में रोशनी आए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि वो 14 साल की बच्ची है।